नौकरियों और आमदनी के लिहाज से आने वाला वक्त लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के विकास दर के अनुमान हों या फिर आर्थिक संकेतकों का प्रदर्शन, सब कुछ इकोनॉमी के जोश को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जारी किए गए ताजा अनुमान की, जिसके मुताबिक इस साल देश के विकास दर 9.5% और अगले साल 8.5% रह सकती है। IMF के ताजा अनुमान इस साल जुलाई में जारी किए पिछले अनुमान के बराबर हैं, हालांकि ये अप्रैल के अनुमानों के मुकाबले 1.6% कम है। RBI ने भी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा था। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for the current year, that is 21-22, and this consists of 7.9% in Q2, 6.8% in Q3, and 6.1% in Q4 of 21-22. भारत के विकास दर के अनुमान को तो IMF ने जुलाई के स्तर पर ही बरकरार रखा है, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ रेट में मामूली बदलाव किया गया है। IMF के मुताबिक 2021 में वैश्विक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रह सकती है। IMF ने अमेरिका की विकास दर इस साल 6% और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। यानी इस साल और फिर अगले साल भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। इस तेजी को जिन आर्थिक संकेतकों से बल मिल रहा है, उनमें शामिल औद्योगिक उत्पादन यानी IIP अगस्त में 11.9% की दर से बढ़ा है। इसके साथ ही अगस्त में IIP 131.1 पर पहुंच गया, जो अगस्त 2022 के 117.2 के साथ साथ अगस्त 2019 के 126.2 से भी ज्यादा रहा है। यानी IIP प्री कोविड स्तर से आगे निकल गया है, जो आर्थिक रिकवरी में आ रही तेजी का सबूत है। इसके साथ ही सितंबर में रिटेल महंगाई दर में आई कमी भी सरकार के साथ ही लोगों के लिए भी राहत की खबर है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है। अगस्त में ये 5.3% पर थी। ऐसे में सस्ती ब्याज दरों का दौर आगे भी जारी रह सकता है, जो आर्थिक ग्रोथ के लिहाज से मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।